कविता का शीर्षक है औरत। जब विद्रोही जी ने ये कविता लिखी तो उनके दिमाग में एक चीज थी कि हमने अब तक जितना भी इतिहास पढ़ा है, हमने जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है, तो वो हिस्ट्री हमें हमेशा पुरुषों ने जो लिखा, समाज में जितने भी पुरुष थे उन्होंने जो चीज़ें लिखी, हमने सिर्फ उनको पढ़ा और हम उसी इतिहास को, उसी हिस्ट्री को जानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये पढ़ा कि कोई एक औरत ने अपना इतिहास लिखा हो और उसने ये बताया हो कि उसको चिता में क्यों जलाया गया था, उसके साथ इतिहास में ज़्यादती क्यों हुई थी, उसने जौहर क्यों करा। लेकिन विद्रोही ना इस कविता में एक अलग पक्ष की बात करते हैं, वो उन महिलाओं की बात करते हैं, उन महिलाओं के इतिहास की बात करते हैं और महिलाओं पे हुई ज़्यादती की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनको वापस से तलब करूँगा अदालत में और उनसे सवाल जवाब करूँगा और उनकी जुबानी सुनूंगा कि आखिर जो त्रासदी का माहौल था, जो इतनी यातनाएं सहनी पड़ी, वो क्यों सहनी पड़ी। तो कविता उसी पक्ष को आपको दिखाती है। कविता का टाइटल है औरतें। कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्डों में दर्ज है। कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्डों में दर्ज है। कुछ औरतें चिता में जलकर मरी थीं, ऐसा धर्म की किताबों में लिखा है। मैं कवि हूं, करता हूं, मैं कवि हूं, करता हूं, क्या जल्दी है। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक ही साथ औरतों की अदालत में तलब करूंगा और बीच की सारी अदालतों को मनसूख कर दूंगा। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक ही साथ औरतों की अदालत में तलब करूंगा और बीच की सारी अदालतों को मनसूख कर दूंगा। मैं उन दावों को भी मनसूख कर दूंगा जिन्हें श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किए हैं। मैं उन डिग्रियों को निरस्त कर दूंगा जिन्हें लेकर फौजें और तुलबा चलते हैं। मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूंगा जिन्हें दुर्बल ने भुजबल के नाम किए हैं। मैं उन औरतों को जो कुएं में कूदकर या चिता में जलकर मरी हैं, फिर से जिंदा करूंगा और उनके बयानों को दोबारा कलम बंद करूंगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई, क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूं जो अपने एक बित्ते के आंगन में अपनी सात बित्ते की देह को ता जिंदगी समोए रही और कभी भूलकर बाहर की तरफ झांका भी नहीं, और जब बाहर निकली तो औरत नहीं उसकी लाश निकली जो खुले में पसर गई मां मेंदनी की तरह। एक औरत की लाश धरती माता की तरह होती है दोस्तों, एक औरत की लाश धरती माता की तरह होती है दोस्तों, जो खुले में फैल जाती है थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूं कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित, तमगों से लैस सीना को फुलाए हुए सैनिक महाराज की जय बोल रहे हैं, वे महाराज जो मर चुके हैं, वे महाराज जो मर चुके हैं और महारानियां सती होने की तैयारियां कर रही हैं। जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी, इसलिए वे भी तैयारियां कर रही हैं। जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी, इसलिए वे भी तैयारियां कर रही हैं। मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता नौकरानियों की होती है जिनके पति जिंदा हैं और रो रहे हैं। कितना खराब लगता है, कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई औरतों को मारना भी खराब नहीं लगता। औरतें रोती जाती हैं, मर्द मारते जाते हैं, औरतें और जोर से रोती हैं, मर्द और जोर से मारते हैं, औरतें खूब जोर से रोती हैं, मर्द इतनी जोर से मारते हैं कि वो मर जाती हैं। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी मां रही होगी, और भविष्य में वह आखिरी औरत कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा।
मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और मैं यह होने नहीं दूंगा।